धर्मशाला में पुलिस अधीक्षक कांगड़ा शालिनी अग्निहोत्री ने पत्रकार वार्ता में बताया कि लोकसभा चुनाव के बाद ईवीएम और वीवीपैट मशीनों को जिला कांगड़ा में स्थापित किए गए विभिन्न स्ट्रांग रूमों में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच रखा गया है। जैसे कि आप सबको पता है कि 1 जून को ऑलरेडी यहाँ पे सभी एरियाज में वोटिंग जो है वो कास्ट हो चुकी है और उसके बाद सभी जो ईवीएम्स पोस्टल बैलेट्स हैं वो हमारे स्ट्रांग रूम्स में पहुंच गए हैं। उसके बाद 4 जून को जो है सुबह 8 बजे से काउंटिंग की प्रक्रिया कांगड़ा ज़िला में 3 जगह पे जो है की जाएगी। इसमें धर्मशाला हेडक्वार्टर्स पे जहाँ पे कांगड़ा शाहपुर नगरोटा बघवा और धर्मशाला की असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज की काउंटिंग की जाएगी। इसके अलावा ज्वालाजी में जहाँ पे ज्वालाजी देहरा और जसवा परागपुर के असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज की काउंटिंग प्रक्रिया जो है की जाएगी। इसके अलावा पालमपुर जहाँ पे पालमपुर सुला बैजनाथ और जयसिंहपुर असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज की काउंटिंग प्रक्रिया कल जो है निर्धारित की गई है। इस संदर्भ में जो है पुलिस की जो तैयारियां हैं वो कंप्लीट कर ली गई हैं। हर एक काउंटिंग सेंटर में जैसे कि आपको विदित है कि 3 लेयर की सिक्योरिटी ऑलरेडी इस्टेब्लिश्ड है, जिसमें सबसे इनर कॉर्डन में जो है CAPF की टीम्स हैं, उसके बाद SAPs और उसके बाद डिस्ट्रिक्ट पुलिस की आउटर लेयर का बंदोबस्त रहता है। हर एक काउंटिंग सेंटर में मीडिया सेंटर्स के माध्यम से जो है अपडेट्स रेगुलरली शेयर हों, उसके लिए डेजिग्नेटेड प्लेसेस पे अरेंजमेंट्स किए गए हैं। तो काउंटिंग प्रक्रिया जो है वो उसमें निर्धारित जो लोग हैं और जिनके पास मैंडेटेड आई कार्ड्स हैं, चाहे वो एजेंट्स हैं, कैंडिडेट्स हैं, उनके कोई रिप्रेजेंटेटिव्स हैं या ड्यूटी पे जो ऑफिशियल्स हैं, सिर्फ उन्हीं को जो है काउंटिंग हॉल की अंदर जो है एंट्री अलाउड रहेगी। इसके अलावा बाकी सभी लोगों के लिए हर एक काउंटिंग सेंटर पे एक होल्डिंग एरियाज डेजिग्नेट किए गए हैं, जहाँ पे वो अपनी कैंडिडेट के लिए या अपनी पार्टी के रिजल्ट्स जो हैं अपडेट ले सकते हैं और साथ में किसी प्रकार की गैदरिंग जो है वो काउंटिंग सेंटर से बाहर निर्धारित होल्डिंग स्पेसिस में ही की जाएगी। क्योंकि धर्मशाला में बाई इलेक्शंस की काउंटिंग भी कर ली है तो उसके लिए भी उचित प्रबंध किए गए हैं। और आपके माध्यम से मैं कहना चाहूँगी कि जितनी भी गाड़ियों की पार्किंग है, पार्किंग व्यवस्था पुलिस ग्राउंड धर्मशाला में रखी गई है और पुलिस ग्राउंड धर्मशाला से डाउनवर्ड्स कॉलेज BED चौक जो है वहाँ तक जो व्हीकल्स का मूवमेंट हम रिस्ट्रिक्ट करेंगे। पैदल मूवमेंट पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, वहाँ पे लोग पैदल चल सकते हैं। इसके साथ ही जो BED जो गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज का मेन गेट है वहाँ से लेके जो CUHP का जो चौक है वहाँ तक जो है किसी प्रकार की कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, वहाँ पे गाड़ियाँ भी आ सकती हैं और व्यक्ति चल भी सकते हैं। सिर्फ BED चौक को जो हम इस प्रक्रिया में स्क्रूटनाइज और सेंसिटाइज करके रखते हुए वहाँ पे रिस्ट्रिक्शंस अप्लाई करेंगे। तो आप सभी के माध्यम से मैं कहना चाहूँगी जो भी व्यक्ति कल काउंटिंग ड्यूटीज़ पे आ रहे हैं या अदरवाइज काउंटिंग प्रोसेस में आना चाहते हैं वो अपने व्हीकल्स पुलिस ग्राउंड धर्मशाला में पार्क करें ताकि सुचारू व्यवस्था चलती रहे। इसके साथ ही जो होल्डिंग एरियाज़ हैं वो धर्मशाला में प्रयास भवन का जो मेन सड़क के साथ का गेट है उसके सामने का एरिया जो है खाली करके रखा जाएगा ताकि उसको पब्लिक जो है गैदरिंग के लिए यूज़ हो सके, या किसी प्रकार के विक्ट्री सेलिब्रेशंस हैं उनमें प्रोसेशन हैं उनके लिए वहाँ पे वो एरिया हम वकेट करके रखेंगे। तो आप सभी के माध्यम से मुझे उम्मीद है कि जिस तरह से पोलिंग डे पे हमें सहयोग मिला उसी तरह काउंटिंग डे पे सहयोग मिलेगा और ड्रोन्स के माध्यम से भी जो है सिचुएशन पे नज़र बनाई जाएगी। और इस तरह कल का हमने ये टोटल प्लान बनाया है। कल सुबह 8 बजे से काउंटिंग प्रोसेस स्टार्ट होगा और मुझे उम्मीद है कि एक पूरा शांतिपूर्ण और कॉपरेशन के साथ काउंटिंग की प्रक्रिया कल जो संपन्न की जाएगी। नहीं, हमारे सर्वेलेंस टीम्स ऑलरेडी फील्ड पे हैं जो कि इन्फॉर्मेशन गैदर कर रही हैं, इंटेलिजेंस गैदर कर रही हैं। किसी प्रकार के नाकाबंदी फ़िलहाल ज़रूरत नहीं लग रही है, लेकिन जो होटल चेकिंग है या फिर जो बाहरी व्यक्ति एरिया में प्रेजेंस हो सकती है उस पर हम नज़र बनाए हुए हैं। और जैसे कि ज्वालाजी और पालमपुर दो और सेंटर्स हैं जिनमें ये काउंटिंग प्रोसेस होनी है, तो वहाँ पे भी इस एक्सरसाइज को आज हमारी टीम द्वारा कंटिन्यूस किया जा रहा है। तो मुझे ऐसा कोई फ़िलहाल ऐसे कोई
किसी प्रकार की अप्रिहेंशन नहीं है कि कोई प्रॉब्लम्स कल आएंगी, लेकिन जैसे मैंने डिस्कस किया कि कई बार विक्ट्री प्रोसेशंस आपस में क्रॉस कर जाते हैं या एनवायरनमेंट जो एकदम चार्ज्ड होता है या बहुत ही क्लोज फाइट के इलेक्शंस हो, तो उसको नज़र में रखते हुए हम लोग तैयारी इस इवेंट की कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल, सिमिलर व्यवस्था जो लाइब्रेरी कॉलेज की, लाइब्रेरी या डिग्री कॉलेज की, वहाँ पे पोस्टल बैलेट्स की गणना होनी है, तो वहाँ पे भी 3-लेयर सिक्योरिटी अभी आप वहाँ पे प्रेजेंट है। उसके अलावा वहाँ पे भी जो होल्डिंग एरिया है वो मेन गेट से बाहर हमने डेजिग्नेट करा है, और उनकी गणना में भी सिमिलर अरेंजमेंट्स जो EBM के लिए तैयार किए गए हैं उसी तरह के अरेंजमेंट्स पोस्टल बैलेट काउंटिंग के लिए भी हमने तैयार किए। सिटी चैनल के लिए धर्मशाला से रिपजीत निपी की रिपोर्ट।